वो तो सैयदों के बेटे नहीं है जिनसे दिहाड़ी का मसला है हमारा। डॉक्टर हमजा उठी है, एक इमरजेंसी है। ओके मैं आ रहा हूँ। मेरी तो बस टांग टूटी थी ना, ये मेरा मेरा पेट क्यों काट रहा है? फुरकान फुरकान बचाओ, फुरकान फुरकान। और सुनाए डॉक्टर साहब, कितनी कमाई हो गई आज? अरे भाई आज अच्छा बकरा मिल गया। यार मैंने तुम लोगों को मना ही किया था कि ये काम छोड़ दो, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तो इसमें गलती क्या है? इन गरीबों को कौन सा कोई आगे पीछे पूछने वाला है? इनकी भी कोई जिंदगी है, मर मर के जीते हैं। एक ही दफा मार दिया, एहसान किया उस पर। सही बात है यार, अपना पेट भी तो भरना होता है, और फिर ये लीवर किसी के काम ही आ जाएगा। अच्छा यार तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलता हूँ। आगे आप फिर से शुरू कर दिए आपने ये काम। मेरे आपको कितनी दफा मैंने कहा ये काम मत किया करे, कुछ खुदा का खौफ है आपको? तो मैं कौन से सब कुछ अपने लिए करता हूँ, तुम्हारे और आयशा के लिए तो करता हूँ। अरे छोड़ छोड़ सर, मुझे ये बताओ आयशा कहाँ है? उसके फेवरेट ड्रोन्स देख के आए हूँ। आपको आयशा की खबर भी है? सुबह से उसके पेट में दर्द है, वो पीली भी पड़ी है, जाके उसके पास थोड़े बैठ तो जाएं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आयशा को देख के आता हूँ। आयशा मेरी बेटी को क्या हुआ? पापा पता नहीं, मेरे पेट में सुबह से दर्द है। कोई बात नहीं बेटा, आप रेस्ट करो, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या? मैं भी आता हूं। हमसे आपकी इन घिनौनी हरकतों की वजह से आज मेरी बेटी की ये हालात है कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूं। डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी के इलाज के लिए मुझे बताएं वो कब तक ठीक हो जाएगी। आप हौसला करें और तशरीफ रखिए, मेरी बात आप ध्यान से सुने, तशरीफ रखिए मेहरबानी।
आपकी बेटी इस वक्त बहुत सीरियस कंडीशन में है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। नहीं डॉक्टर साहब, आप पैसों की फिक्र ना करेंगे, बस बहुत पैसे हैं। आप बस मेरी बेटी के इलाज कर दें, मैं जितने पैसे होंगे आपको दे दूंगा, आप बस मेरी बेटी को ठीक कर दें। आप हम पर यकीन रखें, मैं आपकी बेटी का इलाज बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह करूंगा। आपकी बेटी एंड स्टेज लिवर डिजीज पर है, हम उसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उसे कोई मौजजा ही बचा सकता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन أشهد أن محمد رسول الله. क्या हुआ पुत्र, मैं तुझे रोजाना यहाँ से गुजरता देखता हूँ, आज बता पुत्र। मैं अपने रब के सामने जाने से शर्मिंदा हूँ बाबा, कौन से ऐसा गुनाह है जो मैंने नहीं किया, मेरा रब मुझे कभी माफ नहीं करेगा। ना मेरा बच्चा ना, वो नीली छतरी वाला बहुत रहीम है बच्चा, वो तो तेरी तोबा के इंतज़ार में है कि कब तू माफ़ी मांगे और वो तुझे माफ़ कर सके पुत्र। अगर सजा देनी थी तो मुझे देता, मेरी बेटी को क्यों, मैं अपनी बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुत्र अपने रब को पुकार, वो कभी दुआएं रद्द नहीं करता पुत्र, तू एक कदम उसकी तरफ बढ़ेगा वो पुत्र 10 कदम तेरी तरफ आएगा। वो मालिक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है पुत्र, वो कभी अपने बंदे की तकलीफ नहीं देख सकता, वो उसकी दुआएं लाजमी पूरी करता है। बच्चा तू जा, जा के उधर दुआ मांग, जहाँ तेरी बेटी को जाना पसंद था पुत्र, जा लौट जा उधर, अपने खुदा की तरफ लौट जा, इससे पहले देर हो जाए पुत्र, इससे पहले बहुत देर हो जाए, जा लौट जा। पढ़ूं आयत कोई सूरत, सनम के नाम का
मोहब्बत है खुदा जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है खुदा है। मेरे मालिक तू रहीम है, तू करीम है, मुझे बख्श दी। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी की सेहत की भीख मांगता हूँ, मेरी बेटी को सेहत आप फरमा दी, मेरी मासूम बेटी पर रहम फरमा दी। आप तो अपने गुनहगार बंदों की आजाद भी पूरी करते हैं, कुछ गुनहगार की फरियाद भी पूरी फरमा दी। आमीन। सारा कसूर मेरा था, तो सजा मेरी मासूम बेटी को क्यों मिल रही? आज जितने भी लोगों की जिंदगी मैंने बर्बाद की, उन सबका बवाल मेरी मासूम बेटी पर आ रहा है। मेरे घर वाले जिस भी हाल में, वो सब कैसे बता बंदों को दे इश्क पे हक, बस अलिफ का है बंदे अलिफ बस। इस जहां में नारा सच्चा जान मन बस रहे नामे अलिफ, कर लिया है ज़ेब तन अलिफ बेटा मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में हूँ, तुम परेशान मत होना, तुम हौसला रखो, बस मैं आ रही हूँ। हेलो 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 क्या हासिल हुआ इतनी दौलत इकट्ठी करके, जब ये दौलत मेरे किसी काम ना आ सकी, ना मेरी बेटी को बचा सकी, ना मेरी माँ को जिंदा रख सकी। ये सब मेरे ही गुनाहों का नतीजा है। आज बिल्कुल तन्हा और बर्बाद सा हूँ, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? ये तो मैं खुद हूँ। क्या हो रहा है मेरे साथ? हमजा, हमजा, ये तुम अपने साथ क्या करने लगे हो? रुक जाओ हमजा, ये मैं ही हूँ। नहीं, ना करो मेरे साथ, रुक जाओ। ये मैं अपना ही पेट क्यों काट रहा हूं? Thank you.
ये क्या करने लगा था मैं अपने पेशे के साथ, इस मुकद्दस पेशे में इस कदर घनौना काम। बेशक एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, बजाय इसके कि मैं लोगों की खिदमत करता, मैं उन्हीं के साथ धोखा करने लगा था। सब लोग डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं, खुदा के बाद हमें ही अपनी जान का सामान मानते हैं। लाखों लोगों में से चंद लोगों को इस पैगंबरी पेशे के लिए चुना जाता है फकत इसलिए कि दुखी इंसानियत की बेलौस खिदमत की जा सके। काश कि हम इस पेशे का मुकाम समझ सकें।